लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया और बहुत बुरा करने जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह इनको पूछेगा, अल्लाह इनको सजा देगा। क्या आवाम को पैगाम देने चाहेंगे जो अभी तक इमरान खान का साथ नहीं दे रहे, इमरान खान के खिलाफ हैं, पीटीआई के खिलाफ हैं, उन उस आवाम को क्या पैगाम देंगे कि इमरान खान का साथ? तो ये है कि मैं जितने, पहली बात ये है कि मैं जितने लोगों को जानती हूँ, जानती थी, और जो नून लीग के थे वो अब नून लीग में नहीं रहे, जो भी किसी भी पार्टी में थे वो सब छोड़ चुके, जो न्यूट्रल थे वो भी छोड़ के पीटीआई में आ गए हैं। हाँ, जो रह गए हैं चांदे एक, वो हैं जिनके अपने मफादात जुड़े हैं, लेकिन मैं जिनके अपने मफादात जुड़े हैं मैं उनको भी ये कहना चाहूँगी कि अपने मुल्क का सोचें। ये तो धोखेबाज लोग हैं, ये आपको धोखा देंगे, आप प्लीज़ अपने मुल्क का सोचें, अपने बच्चों का सोचें कि ये जो सरकार है ना, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिस तरह इन्होंने हमारे मुल्क के साथ किया है ना, मैं अभी भी ये पीछे मैं बात कर रही थी तो मैं रोती हुई आई, आप मुझे देखें कि मैं रियली रो रही थी। मैं सोच रही थी कि हम कहाँ जाएंगे अगर हमारे इन्होंने हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, हमने यहीं रहना, हमारे बच्चों ने यहीं रहना, इन्होंने जायदादें बनाई हैं, ये तो बाहर भाग देंगे। और ये देख लें अभी वो बाहर भाग गया, उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको दुख लगता होगा कि अगर इमरान खान को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कुछ हो गया या इन्होंने हटा दिया, ना अहल कर दिया, तो इस चीज़ का दुख आप रोती रही हैं कि इमरान खान ना हो तो इस मुल्क का क्या होगा? बिल्कुल है, देखिए इतने सालों बाद इस मुल्क को ना एक लीडर मिला है, और जिस जो मतलब मुखलिस है, जो हमारे साथ मुखलिस है, हमारे बच्चों के साथ मुखलिस है, जिसने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया और बहुत बुरा करने जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह इनको पूछेगा, अल्लाह इनको सजा देगा। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा है। ये अजान हो रही है, आप सुन रहे हैं, मेरी बद्दुआएं हैं इन लोगों के लिए। देखिए हम अल्लाह का शुक्र है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए, मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ कि क्या छोड़ूँ क्या लूँ, लेकिन जो गरीब लोग हैं आप खुद सोचें उनका क्या हाल हो। एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल कुछ लोगों को मिल रही है। बिल्कुल ऐसा, वो कहाँ से अपने बच्चों की दवाइयाँ, स्कूल, इसका मतलब एजुकेशन के तो ये कभी भी हक में ही नहीं है ना, एजुकेशन देंगे तो फिर इनको कौन वोट देगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की।